हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है और एक्सेस में हम एसक्यूएल व्यू में सीखेंगे करेंसी डेटा टाइप का यूज। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में करेंसी डेटा टाइप का यूज करते हैं डायरेक्टली, आप डिजाइन व्यू में जाते हैं वहां करेंसी डेटा टाइप चूज करते हैं, वैसे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में हम कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करता हूं और यहां पर क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक नया सिनेरियो आ जाएगा आपके सामने जो कुछ इस तरीके का होगा। अब आपको करना क्या है, यहां से क्रिएट पे जाना है और यहां से आना है क्वेरी डिजाइन पर, और क्वेरी डिजाइन पर आने के बाद इसको क्लोज कर देना है। यहां पर हम कोड लिखने वाले हैं, तो टेबल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था क्रिएट टेबल, ये लिखा जाता है, ये पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। और टेबल का नाम है लाइक सपोज कीजिए प्रोडक्ट टी, मैं यहां लिख देता हूं प्रोडक्ट टी यानी टेबल, तो ये प्रोडक्ट टेबल के नाम से हो गया। एंटर प्रेस किया, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कौन कौन सी चीजें देना देनी है वो दे दीजिए, नेम ऑफ प्रोडक्ट देना है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये नेम और अंडरस्कोर लगाना मत भूलिएगा ऑफ प्रोडक्ट, तो ये कुछ इस तरीके से आप लिख दीजिए नेम ऑफ प्रोडक्ट, ओके। और फिर इसका डेटा टाइप यहां मेंशन कर दीजिए, लाइक मैं टेक्स्ट कर देता हूं, वेयर कैर भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और यहां पर कर देता हूं नेम ऑफ प्रोडक्ट के बाद प्राइस इसकी कर देता हूं, तो ये लिखा प्राइस। और यहां पर देखिए सिंपली मैं लिखता हूं करेंसी, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया करेंसी, और करेंसी लिखने के बाद कॉमा दीजिए, कॉमा देने के बाद एंटर करके नीचे आइए और फिर यहां पर कर दीजिए यूनिट, तो यहां पे यूनिट भी आप दे दीजिए। और यूनिट कौन सा डेटा टाइप होगा, यहां पर यूनिट में फिलहाल मैं इंटीजर रखता हूं, ठीक है, तो आप यहां पे इंटीजर रख लीजिए, अगर आप कुछ और रखना चाहते हैं तो कुछ और भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अभी ये हो गया, तो यहां पर आप कॉमा लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पर हमारा पूरा हिस्सा खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया, इसको बंद कीजिए और यहां से रन पे बस क्लिक कर दीजिए, काम हो गया आपका, ये प्रोडक्ट की टेबल तैयार हो गई। तो अब यहां पर आप आते हैं तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट का पूरा डिटेल यहां पे दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम है कीबोर्ड, ठीक है, तो कीबोर्ड यहां आ गया और यहां इसकी प्राइस आएगी, तो देखिएगा जैसे ही मैं प्राइस लिखूंगा तो यहां डॉलर या रुपीस का जो भी सिंबल है वो यहां पर आ जाता है। कैसे, देखिए कुछ इस तरीके से, यहां 500 लिखा तो यहां देखिए डॉलर लगा हुआ आ गया और यहां पे 8, तो 8 यूनिट जो है कीबोर्ड की परचेज हुई, ठीक है। यहां पे लिखा मैंने माउस, तो यहां पे देखिए जैसे ही मैं लिखूंगा माउस की यहां पे प्राइस लिखूंगा तो यहां डॉलर या रुपीस का सिंबल, आप रुपीस का सिंबल भी सेट कर सकते हैं, मैंने बताया है कई वीडियोस में कि कैसे इसे सेट किया जाता है। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी कि करेंसी डेटा टाइप कैसे प्रयोग किया जाए।